यहाँ से आप इसे रोटेट करके देख लो, ठीक है, और इसके अंदर ये वाला सिंबल अलग जुड़ गया है ना, ये वाला नहीं है वो, प्रॉपरली एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो इसके लिए दूसरा आइकन को ऐड करना पड़ेगा। चलो खैर, तो इस वाले के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले नीचे वाले पार्ट को लेके आऊँगा, फिर अपर हाउसिंग लाऊंगा, फिर ब्लोवर लाऊंगा, शाफ्ट, फिर ये मोटर और ये कवर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल को करते हैं ओपन और असेंबली लेंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाएगा डायरेक्टली ब्राउज, ठीक है, ब्राउज करके इंसर्ट कंपोनेंट भी सकता है, अगर ये बंद होगा तो मैंने क्रॉस को पढ़ाया, तो आपको इंसर्ट कंपोनेंट करना पड़ेगा, जो कंपोनेंट बना रखे हैं उन कंपोनेंट को लेके आने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं लोअर हाउसिंग को लेता हूँ और लोअर हाउसिंग यहाँ पे आ गया, और इसे करते हैं छोटा। अब इसके अंदर क्या है, अगर मैं इसे कंट्रोल के साथ तो ब्लोअर को हम यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे क्लिक करते हैं और मिनिमाइज करो उसे आप, और यहाँ पे मेरे पास होगा मूव कंपोनेंट। आप मूव कंपोनेंट में जाएंगे, मूव के अंदर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, क्या है, एक तो मेरे पास है मूव, ठीक है, ये आपसे पकड़ोगे कंपोनेंट को ड्रैग करते हुए आगे मूव हो जाएगा, ओके। और मूव के अंदर ही नीचे से जाऊँगा तो यहाँ पर रोटेट भी है, आप इसे क्लिक करके रोटेट कर सकते हो, रिव्यू ड्रैग, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन में लगना था इसलिए इसे मूव कर लिया गया। और अब लगाना है यहाँ से मेट, मेट में लिया हमने, क्या चीज लेते हैं, कोसेंट्रिक, सेंटर, सेंटर में लाने के लिए, और कॉन्सिडेंस से क्या करेंगे, मैं सिलेंड्रिकल सरफेस को इस सिलेंड्रिकल से मिलाना चाहता हूँ, यहाँ से दोबारा से लेते हैं मेट, और यहाँ से परसेंट की लिया सपोज ये, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला कर कोसेंट्रिक हो जाना चाहिए, दोनों आपस में कोसेंट्रिक हो गया, ओके। और फिर हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से लेते हैं इसे, यहाँ से डिस्टेंस वाला डिस्टेंस लिया, ये फेस जीरो कर दें और ये फेस आपस में जीरो हो जाए, अभी वन आ रहा बाय डिफॉल्ट, तो जीरो कर देना और क्लोज, ठीक है, ये मैच हो जाएगा। फिर अगला कंपोनेंट चाहिए, इसे कैंसिल करते हैं, और जो हमने किया है मीट वो यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, ठीक है, दोनों वाले फिक्स वाला ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है। इनसाइड कंपोनेंट लेंगे और यहाँ से ब्राउज कर देते हैं और फिर लेते हैं शाफ्ट, ये मोटर शाफ्ट मैंने ले लिया यहाँ पे और क्लिक, अब इसको मिलाना है, तो यहाँ से लेंगे मीट और मेट लेके क्या लेंगे हम यहाँ से, ये वाली जो एक्सेस है ये, और ये एक्सेस जो है ये, मैच हो गया, ओके। आप फिर इसे घुमा लेते हैं, ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस मैच होना चाहिए, इसमें आपको किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिलेक्शन करो, यहाँ से कोई कमांड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। मेट में जाके करना है, मेट में जाके आपको सिंपल सिलेक्शन करना है, बाकी सब कुछ सिलेक्शन अपने आप ही कर लेगा। इसके बाद आते हैं इसे क्लोज, और फिर यहाँ से लेंगे इंसर्ट कंपोनेंट, और इंसर्ट कंपोनेंट में जाके ब्राउज करते हैं और यहाँ से लेते हैं मोटर। अब मोटर जो है ये उल्टी डायरेक्शन में आ गई है, मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मैं और अब यहाँ से इसे हम घुमाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे और रोटेट कर देना, कंपोनेंट को सिलेक्ट करो और घुमा दो, ठीक है, इसके सीध से आ गया। अब लेंगे मीट
फॉर्मेट लेके ये जो एक्सेस है ये वाला फेस और ये फेस मैच हो जाए, मैच हो गया ठीक। और फिर बैक साइड में जाके देखते हैं ये जो फेस है और ये फेस है दोनों मैच हो जाए, ये भी मैच हो गया। और तीसरा जो लेना है वो यहाँ से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल, मैं चाहता हूँ ये फेस और ये फेस आपस में पैरेलल हो जाए, सीधे हो जाए और हो गया। अब इसके ऊपर एक अपर हाउसिंग लगाना रह गया, अपर हाउसिंग के लिए हम क्या करते हैं इसे क्लोज करते हैं और इंसर्ट कंपोनेंट में फिर से जाके ब्राउज करेंगे और लेंगे यहाँ से अपर हाउसिंग, अपर हाउसिंग मेरा ये वाला पार्ट है और इसे हम ऐसे रखते हैं और घुमाना पड़ेगा रोटेट और ठीक। और फिर यहाँ से हम करते हैं मेट और मेट में जाके लेंगे यहाँ से हम सिलेक्शन ये फेस और ये फेस मैच हो जाए, मैच हो गया ठीक। और फिर ये जो फेस है मैच हो जाए, मैच हो गया ठीक। और इस पर जाना पड़ेगा ये जो सिलेंड्रिकल फेस है और इसके नीचे का ये सिलेंड्रिकल फेस है दोनों मैच हो जाने चाहिए ठीक है। ये असेंबली हमारी तो इसमें भी सिमुलेट होता है, इसमें सिमुलेट पिस्टन जैसे उसमें वो होता है कैटीएम में उसके लिए फिर ओके कर दो इसको और देख लेते हैं ना। और इसको अगर चलाना चाहते हैं तो यहाँ से मोशन स्टडी में जाएंगे, कहाँ से मोशन स्टडी है, मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में जाके यहाँ पे कैमरा, इस कैमरे में गए और यहाँ से रोटेट मॉडल कर सकता हूँ मैं और कौन सी एक्सेस के अवॉइड करना है वो और कितने रोटेशन चाहिए, टू रोटेशन चाहिए और नेक्स्ट और 10 सेकंड के लिए और फिनिश। तो ये जब आप इसे प्ले करोगे आप तो ये घूमेगा 10 सेकंड के लिए और दो चक्कर काटेगा, और ये हो गया। इसके बाद इसे मैं तो सॉलिड वर्क्स में से फोर्स निकाल सकते हैं सर, वो कहते हैं निकला है क्यों हल्का सा, ऐसे करते हैं अब हम जूम। और अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए यहाँ से मोटर और मोटर लेके हमने क्या किया ये जो अंदर वाले पैलर है ठीक है इसको हमने सेलेक्ट किया, ये कंपोनेंट हो गया और ये एज जो ले रहा है एज ले रहा है गलत, ये एज ये नहीं होनी चाहिए, एज इसके बीच की है, एज इसने गलत ले ली है, एज इसी वाली होनी चाहिए ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखते क्या आता है ना, ये इसकी स्पीड होगी मोशन और ओके। और फिर यहाँ से एक बार क्लिक करने से कैलकुलेट अंदर चल रहा है चल रहा है, इसको चाहोगे अगर तो वायर फ्रेम में सर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई जनरेट नहीं है ना इस सॉफ्टवेयर में, तो उसमें जीरो ही करना पड़ता है। तो ये वाला अगर मोशन हटा दूंगा तो खाली चलता हुआ वो दिखाई दे जाएगा सर, हटाते हैं एक बार ठीक है। तो इतना ये करते हैं।